अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है। आज मैं बनाऊंगी तोतों की फीड जो मैं घर में होममेड बनाती हूँ और जो हम तोतों को खिलाते हैं। ये देखें, ये पिसे हुए चनों का पाउडर है, ये बेसन है हाफ़ के जी, ये चने का ब्लैक चने नहीं होते उनका पाउडर है, ये बेसन है हाफ़ के जी है, ये राइस का आटा पाउडर ये, और हाफ़ के जी है ये जौ का आटा, ये देखें, हाफ़ के जी है मकई का आटा, और ये हाफ़ के जी है बाजरे का आटा। ये हम टोटल 6 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अब हम आटे की छलनी में डाल के इसको सबको मिक्स करके पाउडर को सबको मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसको आटे की छन्नी में इसलिए डालते हैं कि जो भी इसमें गुठली वगैरह हो, लंग्स वगैरह हो, ख़त्म हो जाए। और जब हम फीड, ये देखें, बिल्कुल पाउडर शेप में आ जाएगी। इन सब को हमने अच्छी तरह मिक्स करके एक डब्बे में डाल लेना, जार में। फिर हम इसको, ये जो उन सब, ये आपका बर्ड है, कॉकटेल है, ऑस्ट्रेलियन है, लव बर्ड है, जितने भी को, हर तरह के बर्ड्स को ये फीड हम लोग डाल सकते हैं, उनके बेबीज़ को, या बर्ड्स बीमार होते हैं उनको भी खिला सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। बाज़ार में इतनी महंगी है, ये बाज़ार से हम लोग को सस्ती पड़ती है और इसे जानवर हेल्दी भी रहते हैं। और सब फ़ायदेमंद ही चीज़ें हैं जो हमसे, हमारे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब घर की ही हैं। तो इसलिए आप घर में बना के अपने बर्ड्स को खिलाएं ताकि बर्ड्स हेल्दी हों, और ये कि हम लोग को ये बचत भी रहेगी। बाज़ार की बहुत महंगी है, ये हम लोग को इतनी महंगी नहीं पड़ती। ये देखिए, करने का हमारा ये मकसद, करने को हम ऐसे भी मिक्स कर सकते थे। ये देखिए, जो इसमें जो ज़र्रे वगैरह या कोई भी, ये देखें, चीज़ें वगैरह होंगी वो स्टेन से, ये कि हम उस बाहर आ जाएंगे, वो हम लोग फेंक देंगे। ये सबसे पहले हमने बाजरे का आटा किया है, छाना है। रिवर्स मकई का आटा हो गया, ये देखें, अच्छे से हम लोगों का स्टेन हो गया। अब हम लोग दूसरा ले रहे हैं बेसन का। अच्छा, आपने सब हाफ हाफ के जी लेने, अगर आप हाफ हाफ के जी नहीं ले सकते तो आप एक एक कप भी ले सकते हैं, जितने भी लेने हैं सब एक ही क्वांटिटी में लेने हैं। ये अब तीसरा हम लोग चावलों का आटा लेने लगे हैं, ये भी हाफ के जी है। बेसन का हमारा कंप्लीट हो गया था, ये देखें। जी व्यूअर्स, चावलों का आटा भी हो गया, अब काफ़ी हमारा ये बर्तन फुल हो गया। तो इसलिए अब हम लोगों ने देखी यूज़ की है खुश, बाकी के हम इसमें करेंगे, फिर बाद में इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे जौ का आटा, ये भी इसी तरह हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे। ये भी हाफ के जी लेना है, जो का हो गया। देखें, इसमें से ये पाउडर सा निकला है, छिलका सा, ये हमने फेंक देना है, ये हमारा पाउडर हो गया। अब ये फेंकने के बाद हम इसमें मकई का आटा डालेंगे, ये अब हम मकई का आटा डालेंगे, चक्की का पिसा हुआ, ये सब चीज़ें चक्की की पिसी हुई हैं। अच्छा, 6 नहीं 7 चीज़ों का है ये होगा फीड का। इसमें एक चीज़ और भी डालनी है, काला नमक, वो आपने लास्ट में 2 टीस्पून डालने हैं, वो भी आपने स्टेन करके डालने हैं ताकि उसकी गुठली ना आए नमक की, क्योंकि नमक तोतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप देखिए, जब हम तोतों के शेड में या केज में या किसी भी चीज़ में नमक और समुद्री झाग वगैरह रखते हैं, चीज़ें, इससे बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए हम लोगों ने नमक भी इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, सब आटे हो गए। अब लास्ट में हम लोगों का रह गया है, ये देखें, ब्लैक चनों का पिसा हुआ आटा, ये लास्ट में रह गया, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोगों ने काला नमक डालना है, मैं वो भी दिखाती हूँ, स्टे विद मी।
जी व्यूअर्स, हमने सब कुछ डाल दिया इसमें। ये लास्ट में हमने 2 टीस्पून काला नमक लेना है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो। ये देखिए इसमें ना गुठलियाँ होती हैं काले नमक में, तो इसको हमने, इसको भी ये देखें छान लेना है अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, काला नमक भी डाल दिया। अब आपका दिल करे तो स्पून के साथ मिला लें, लेकिन मैं तो देसी तरीके से हाथ से ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखें हाथ से एक जैसा हो जाएगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ये देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल लें या जो भी आपके पास अवेलेबल बर्तन है उसमें डाल लें। जी व्यूअर्स, ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है सारे आटे जितने भी हैं पाउडर इनके। ये देखें किसी भी दो जार में डाल लें आप, ठीक है। और जो बाकी का है आप किसी भी शॉपर में करके या किसी भी चीज़ में करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि आगे गर्मी है तो गर्मियों में इसमें ना कीड़े डलने का ख़तरा होता है। और कैसी लगी पीड़ा बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और ओके, अल्लाह हाफिज़।